आज हम लोगों की पहली क्लास है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है आप मेरे बारे में जानते होंगे, जैसा कि मेरी डॉक्टर अग्रवाल जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने शायद इंट्रोड्यूस करा हुआ है आपको। तो क्योंकि पहली क्लास है तो बस एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दे दूं, तो माय नेम एज यू ऑलरेडी माइट बी अवेयर ऑफ इट, मैं डॉक्टर शिवम शुक्ला। आई एम करेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु, सिद्धार्थ नगर। और मेरी जो बात हुई है और जैसा मुझे बताया गया है, जो मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी है, दैट पर्टेन्स टू फाइनेंशियल मार्केट्स एंड बिहेवियरल स्टडीज। तो मुझे जो टॉपिक, जो पेपर असाइन किया गया है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जो भी सिलेबस आपका है वो ऑलरेडी आपके पास होगा और आपने उसको इन डेप्थ तरीके से पढ़ा भी होगा, देखा होगा। तो मैंने भी देखा उस सिलेबस को, तो हम लोग उसी सिलेबस के ही इर्द गिर्द अपने टॉपिक्स जो भी हमारे हैं उनको हम पढ़ेंगे। एंड आई सिंसियरली होप दैट बिकॉज ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आर बिलोंग टू द पीएचडी कोर्स वर्क, सो देर इज अ डेफिनेट चांस दैट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अकम्प्लिश्ड योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स ओनली। So there is no doubt about the fact that most of the things that we will be discussing under the aegis of financial management are already known to you. मैं ये मान के चल रहा हूँ और मुझे ऐसा विश्वास है कि बहुत सारी चीजें जो हम लोग बात करेंगे जिनके बारे में you are very much aware of these topics. तो बहुत डिटेल में आपको मुझे नहीं लगता कि समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, काफी कुछ आप जानते होंगे। मुझे जो भी जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा टाइम एंड अगेन। आई विल ऑलवेज वेलकम एनी ऑफ योर क्वेरीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कम अप विद इट और हम उसको मिलजुल करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट मच फर्दर अडू, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द टॉपिक। आज क्योंकि पहला क्लास है तो विल बी टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पे जाने से पहले जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो शब्द है उसका जो क्रक्स है, जो मूल बात है या जिस मूल शब्द को हम लोग समझ सकते हैं जिससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बना है, वो शब्द है फाइनेंस। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये फाइनेंस शब्द जो है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा दैट मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट आइडियाज, थॉट्स एंड स्कॉलरली व्यूज ऑन फाइनेंस, लेकिन जो एक जिसको कि मैं कह सकता हूं कि एक रिकैपिटुलेशन हम लोग करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि एक आइडिया हम लोगों को क्लियर हो जाए कि फाइनेंस क्या है और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आज के एरा में जब हम लोग फाइनेंस शब्द की बात करते हैं तो एक बड़ा वृहद, एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमारे सामने खुल करके आता है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे एलिमेंट्स एनकम्पास करते हैं फाइनेंस शब्द के अंदर। तो द एरिया, द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ फाइनेंस इज सो वाइड एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट इट इंक्लूड्स मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स, सेवरल थिंग्स इनसाइड इट। लेकिन जो पुराना समय था हमारा, वो सेवरल थिंग्स क्या है उनके बारे में मैं अभी आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन जो पुराना समय था, थोड़ी पुराने समय की भी बात कर लें, तो जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट था फाइनेंस के बारे में, उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स थे उनका ऐसा मानना था कि फाइनेंस इन वन और द अदर वे एक्चुअली मीन्स कैश, या जो कि सबसे ये जो सबसे बेसिक आइडिया था, जो सबसे पुराना आइडिया था कि फाइनेंस और कैश इन दोनों को एक ही चीज माना जाता था। इवन आज के समय में भी अगर आप किसी लेमैन से पूछें, इफ यू आस्क अ लेमैन व्हाट डज ही थिंक्स अबाउट फाइनेंस और व्हाट इज हिज आइडिया अबाउट फाइनेंस, ही वुड से कैश। जब पर्सनल फाइनेंस की हम लोग बात करते हैं, जो तीन मेजर विधाएं हैं फाइनेंस की, जैसा कि आप जानते होंगे, जो पहला है पर्सनल फाइनेंस जो कि हमारा आपका व्यक्तिगत फाइनेंस है, उसके बाद जो दूसरा फाइनेंस की जो ब्रांच है, ब्रॉड ब्रांच है, बिजनेस फाइनेंस, जिसके बारे में हमने आपने पढ़ा है अपने बीकॉम और एमकॉम के कोर्स करिकुलम में, और एक तीसरा विधा होता है जो सबसे पॉपुलर है जिसको हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपने फाइनेंशियल इश्यूज को डील करती है और किस तरीके से उसके बारे में
उसका कैसे अपने फाइनेंस को प्रोक्योर करती है और कैसे उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करती है, वो हम लोग पब्लिक फाइनेंस के अंदर देखते हैं। लेकिन जब आप एक पर्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात की कि जब आप एक ले मैन से पूछेंगे, एक नॉर्मल इंसान से पूछेंगे कि भाई आपका कंसेप्ट क्या है फाइनेंस के बारे में, तो ही वुड गिव यू अ वेरी ब्लेटेंट रिप्लाई दैट फाइनेंस मींस कैश, व्हाट कम्स इन और व्हाट अमाउंट ऑफ कैश कम्स इन, एंड इन कंपैरिजन टू दैट, इन लियू ऑफ दैट, व्हाट इज द अमाउंट दैट आई स्पेंड एंड द डिफरेंस दैट कम्स इन, ईदर रिजल्ट्स इन टू सम काइंड ऑफ अ सरप्लस और ब्रिंग्स इन सम काइंड ऑफ अ डेफिसिट। तो ये एक सिंपल आइडिया है फिनांस का जो कि ले मैन रखते हैं, और यही हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी था, जहां पर कि हम लोग मानते थे कि फाइनेंस और कैश, बोथ दीज टर्म्स आर इंटरचेंजेबल, दीज बोथ दीज टर्म्स कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इससे आगे बढ़े, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप कह सकते हो कि बिफोर 1900 का, ईयर 1900 का तब ये माना जाता था। धीरे धीरे जब हम लोग 1900 के बाद आए हैं, कुछ हमारे जो स्कॉलर्स डेवलप हुए फाइनेंस के क्षेत्र में, जैसे जैसे बिजनेस का होराइजन, बिजनेस का स्कोप ऑफ ऑपरेशंस बढ़ते चले गए, तो ये देखा गया कि अब आगे चलते हुए फाइनेंस में सिर्फ कैश को ही कंसीडर किया जाए तो इससे बात बन नहीं रही थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बिजनेस के साइज ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहे थे, बिजनेसेस की स्केलेबिलिटी बढ़ रही थी, इसकी वजह से मल्टीपल फाइनेंशियल इश्यूज स्टार्टेड टू इमर्ज इन फ्रंट ऑफ बिजनेसेस, और वहां पर ये महसूस किया जाने लगा कि अब सिर्फ एक नॉर्मल जो ओनर है बिजनेस का, या जो एक प्रोपराइटर है किसी बिजनेस का, सिर्फ वही फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाएगा, थोड़ी सी एक प्रोफेशनल हेल्प की आवश्यकता, थोड़ी सी एक प्रोफेशनल असिस्टेंस की आवश्यकता फर्म के फाइनेंशियल इश्यूज को डील करने के लिए पड़ेगी। एंड देयरफॉर बिजनेसेस स्टार्टेड टू अपॉइंट फाइनेंशियल मैनेजर्स, वन ऑफ द फर्स्ट। आज हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं, ऑपरेशन ऑपरेशंस मैनेजर होते हैं, या प्रोडक्शन मैनेजर हम उन्हें कह सकते हैं, या हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग विंग्स होती हैं और उनके अलग अलग फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि जब सबसे पहले मैनेजर की अवधारणा, व्हेन 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 फॉर द फर्स्ट टाइम द कंसेप्ट ऑफ मैनेजर वाज थॉट ऑफ और इमर्ज्ड, द फर्स्ट टाइप ऑफ मैनेजर दैट एनीवन कुड हैव एवर अपॉइंटेड और एनीवन कुड हैव थॉट ऑफ वाज द पोस्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। क्योंकि हम जानते हैं, एक बड़ी पॉपुलर लाइन है हमारे फाइनेंस के फील्ड में और हम लोग काफी उसे यूज करते हैं कि फाइनेंस इज द पिवट अराउंड विच ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म रिवॉल्व। जितनी भी एक्टिविटीज हैं किसी भी फर्म की, वो सारी रिवॉल्व करती हैं, वो सारी इर्द गिर्द घूमती हैं फाइनेंस के। जो मैनेजर का वेरी कंसेप्ट था, जो शुरू में मैं जो बिल्कुल अर्ली 1900s में जो मैनेजर का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, उस कंसेप्ट के अंतर्गत मैनेजर की अवधारणा बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजर से ही थी। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मार्केटिंग मैनेजर का कंसेप्ट, या जो 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 ये कंसेप्ट ही है मार्केटिंग का, ये लेट 1950s से, ये 1950s के बाद से इंडिया में शुरू हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो और बाद में शुरू हुआ, पुराने समय में हम इसे पर्सोनल मैनेजमेंट कहते थे, यही बाद में चल करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ। ये मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारा कंसेप्ट जो है वो 1950s के बाद का है। शुरुआती चरण में केवल हमारे पास दो ही प्रकार के मैनेजर्स, या दो ही प्रकार के एरियाज ऑफ कंसर्न हुआ करते थे बिजनेसेस के सामने। द फर्स्ट वॉज प्रोडक्शन ऑब्वियसली, एंड द सेकेंड वॉज फिनांस। और ये माना जाता था दैट एनी फर्म विच कुड डील इफेक्टिवली विद इट्स फाइनेंशियल एंड प्रोडक्शन इश्यूज साइमल्टेनियसली हैज ग्रेटर चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन द मार्केट। ये बड़ा आसान हुआ करता था, आज के समय में ऐसा नहीं है। आप जानते होंगे इस चीज को कि कितने मल्टीपल इश्यूज आते हैं फर्म्स के सामने, कितने सारे एरिया से जुड़े हुए इश्यूज आते हैं, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है आपके सामने, आई हैव एब्सोल्युटली नो हेजिटेशन इन सेइंग दिस थिंग बिफोर यू दैट इन टूडेज वर्ल्ड मार्केटिंग हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड एट द सेम टाइम द मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज
critical issue that any and every business firm is facing. और मार्केटिंग से जो अब ये माना जाता है, बहुत सारे एरियाज में ये माना जाता है कि मार्केटिंग के इश्यूज को अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से टैकल कर लिया तो आप माना जाता है कि आधी जंग आपने जीत ली बिजनेस के अंदर. तो ये कंसेप्ट चल रहा है आजकल. बट दिस डज नॉट मीन्स कि जो हमारे फाइनेंस या एचआर जैसे इश्यूज हैं वो बड़े पीछे चले गए हैं. उनकी भी अपनी रेलेवेंस है और हम जानते हैं कि चाहे मार्केटिंग हो, चाहे एचआर हो, चाहे प्रोडक्शन हो, बगैर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सस्टेन कुछ नहीं कर पाएगा लॉन्ग रन में. तो जो हमारा बड़ा, जो हमारा, जिसको मैं कहता हूं कि एंशियंट, जो कि हमारा एंशियंट, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हो जिनका वॉइस खुला हुआ हो तो आप कृपया उसे बंद कर लें. आपको जब कुछ पूछना होगा तो आप जरूर अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लें. वन सेकंड शिवम सर. हाँ जी सर, ये कह रहे थे बच्चों, जिन बच्चों का कैम बंद है प्लीज उसे ऑन करा दीजिए. आप सारे बच्चे अपने कैम ऑन करके रहे. ठीक है सर, चलिए ठीक है. तो सभी स्टूडेंट्स आप अपने कैमरास खोल रहे हैं, माइक्रोफोन अभी आप बंद रखें. जब आपको कुछ क्वेरी होगी तो आप जरूर उसे खोल लें, तब तक बंद रखें, अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं होगा. तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि जो हमारा, जिसको हम, मैंने आपके सामने बताया कि एक जो एंशियंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको तीन भाग में आपके सामने डिवाइड करके समझाने का प्रयास करूंगा कि एक एंशियंट कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट. बहुत सारी टेक्स्ट्स में आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंस, द फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, द सेकंड इज मॉडर्न. लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि सबसे पहले एक एंशियंट कॉन्सेप्ट है जो कि मानता है कि फाइनेंस एंड कैश बोथ ऑफ देम आर प्रीटी मच ऑन इक्वल लाइंस, ये दोनों एक बराबर है, जिसके बारे में मैंने बात की. अब हम लोग आगे चलते हैं कि जब हम लोग 1900 के बाद के पीरियड, टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस, जहां पर माना जाता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर, जिसके बारे में मैंने आपसे भी चर्चा की, तो जो द फाइनेंशियल मैनेजर हु कम्स इनटू पिक्चर हियर अंडर द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हैज द प्राइमरी एंड द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग और एक्विजिशन ऑफ फंड्स टू बी यूज्ड इन बिजनेस. यानी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर का रोल केवल इतना डिफाइन किया गया कि फाइनेंशियल मैनेजर वो मैनेजर होगा हमारा जिसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल ये होगा कि फंड्स को एक्वायर कैसे किया जाए, किस तरीके से एकत्रित किया जाए, किस तरीके से इकट्ठा किया जाए फंड्स को, ताकि वो फंड्स को बिजनेस के अंदर जो भी उपयोग करना है, जो भी एप्लीकेशन करना है, उस बारे में कोई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं रेस किया गया, कोई बात यहाँ पे नहीं की गई ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में. और सिर्फ इतना कहा गया कि फाइनेंशियल मैनेजर वो व्यक्ति है जिसका मूल काम क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, कंपनी के सामने या कंपनी के बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करना, और कंपनी के लिए जब भी फंड्स की कमी हो किसी भी नए ऑपरेशंस या किसी भी नए ऑपरेशन या किसी भी नई एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए या उसे सस्टेन करने के लिए जब भी फंड्स की कमी हो तो उस फंड्स को अरेंज करना, उस फंड को एक्वायर करना, इतना ही रोल केवल डिफाइन किया गया फाइनेंशियल मैनेजर का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अंदर. बात समझ आ रही है आप सभी को? तो जो ट्रेडिशनल, जो हमारा एंशियंट कॉन्सेप्ट है, दैट डेल्ट विद द सिंगल आइडिया दैट फाइनेंस इज इक्विवेलेंट टू कैश. ये बड़ा ही वेग आइडिया था, बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग और प्रैक्टिकली जिसको हम कह सकते हैं कि फीजिबल ही नहीं था, बिल्कुल ना क्रेडिबल था ना फीजिबल था. तो वो तो एंशियंट कॉन्सेप्ट था, बहुत कुछ समय के लिए चला और खत्म हो गया. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट आया जो कुछ समय के लिए रहा, तब तक रहा जैसा मैंने आपको बताया जब तक कि एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द पिक्चर में नहीं आ गया जिसे हम लोग जानते हैं एलपीजी. आप में क्योंकि पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर जानते होंगे, बहुत सारे बीकॉम एमकॉम के विद्यार्थियों से बात होती है तो कई बार एलपीजी का मतलब लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बता देते हैं, वो भी है लेकिन हमारे क्षेत्र में इसका कोई रेलेवेंस नहीं. हमारे क्षेत्र में केवल एक एलपीजी हो सकता है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो ये जब तक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट पूरी तरीके से इमर्ज नहीं हुआ तब तक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इट प्रॉस्पर्ड, इट वाज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय ऑल काइंड्स ऑफ फर्म्स. और वहां पर सिर्फ यही माना जाता था जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजर हैज ओनली थ्री प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नंबर वन टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, नंबर टू टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू बी प्रिसाइज, नंबर टू
टू प्रेजेंट दोज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन फ्रंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड नंबर थ्री टू एक्वायर एंड टू अरेंज फंड्स फॉर बिजनेस एज एंड व्हेन द बिजनेस इज इन डर्थ ऑफ फंड्स. जब भी फंड्स की कमी हो फर्म के अंदर तो फंड्स को अरेंज कर दे. तो ये ट्रेडिशनल आइडिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या बिजनेस फाइनेंस का हमारे सामने इमर्ज हुआ. इसकी अपनी कमियां थी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे आगे, लेकिन जल्दी से हम लोग अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारा है, इसके बारे में आप किताबों के अंदर पढ़ेंगे तो बड़ा आपको लंबे लंबे पैराग्राफ्स और टेक्निकल तरीके से समझाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से बात को समझें तो केवल थ्री एज, तीन ए का कंसेप्ट जो है वो बहुत एडिक्वेटली और बहुत एप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हमारे सामने डिफाइन कर देता है. और वो थ्री एज क्या है? उन थ्री एज के अंतर्गत ये माना जाता है, अंडर दीज थ्री एज द फाइनेंशियल मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ओनली एंड ओनली थ्री एक्टिविटीज, एंड इफ ही परफॉर्म्स दीज थ्री एक्टिविटीज इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड रिक्वायर्ड मैनर, द एंटायर फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ द फर्म कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिवली मैनेज्ड. और वो थ्री एज क्या है? नंबर वन, एंटीसिपेशन ऑफ फंड्स, नंबर टू, एक्विजिशन ऑफ फंड्स, और नंबर थ्री, एलोकेशन ऑफ फंड्स. इन्हीं को मैं थ्री एज कहता हूं, द कंसेप्ट ऑफ थ्री ए, एंटीसिपेशन, एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स. और आपको मैं बता दूं कि जो जो मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इट इज नथिंग बट अ सम टोटल ऑफ दीज थ्री एज. लेट अस वेरी क्विकली try to understand what these three A's actually signify. Number one, anticipation. Hindi में अगर आसान भाषा में अगर शब्द यूज करें तो हम लोग कहते हैं गणना करना. जो लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ा होगा, गणना करते हैं हम लोग, गणित भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हम लोग गणना करते हैं. किसी कोई भी कार्य हमें करना होता है या किसी की, हम फाइनेंस की दुनिया से अलग भी हट करके बात करें तो एनी एक्टिविटी दैट वी हैव टू डू, we first anticipate what we will do in that particular activity. किसी कार्य को करने से पहले हम सबसे पहले anticipate करते हैं, गणना करने के प्रयास करते हैं कि इस कार्य में हम करेंगे क्या. तो modern financial management में financial manager का सबसे पहला काम यह है कि वो anticipation करे funds का, कि हमारे firm को funds की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, कितने fund की आवश्यकता है. ऐसा ना हो कि ओवर कैपिटलाइजेशन या अंडर कैपिटलाइजेशन जैसी स्थितियां इमर्ज हो जाएं. आप जानते होंगे दोनों शब्द क्या हैं. तो ऐसी स्थितियां ना इमर्ज हो जाएं. तो एंटीसिपेशन करना है कि हमें फाइनेंशियल मैनेजर को कि हमें कितने फंड की आवश्यकता है. दूसरी चीज, हमें फंड की आवश्यकता क्यों है, हम जो फंड प्राप्त, तीसरी चीज, हम जो फंड प्राप्त करेंगे वो कहां से लेके आएंगे, क्योंकि हमारे यहां कंसेप्ट चलता है आरओआई का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. हमारे यहाँ कंसेप्ट चलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो हम फंड कहां से लेके आएंगे जहां से कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट हम लेके आए. तो सबसे पहली चीज एंटीसिपेशन करना है. कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब फाइनेंशियल मैनेजर को खोजना होता है जो मैंने आपके सामने रखे. तो एंटीसिपेशन ऑफ फंड्स इज द फर्स्ट एंड द प्राइमरी टास्क ऑफ अ मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजर. द सेकेंड एक्टिविटी और द सेकेंड ए that a modern financial manager has to accomplish is acquisition of funds. एक बार आपने anticipate कर लिया कि मेरे को fund कहां से चाहिए और कितना चाहिए, तो तुरंत अगला कार्य जो आपको करना है, that is acquisition. fund को acquire करिए, उसको ढूंढिए. आप लोग जब फाइनेंस पढ़ते हैं तो आप सबसे पॉपुलर चीज जो हमको पढ़ाई जाती है फाइनेंस में, that is sources of funds. लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, बहुत तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फंड कहां से आएगा. और जहां से, जैसा मैंने बताया कि लीस्ट कॉस्ट पे मैक्सिमम रिटर्न देने वाला जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि बेसिक लॉजिक है, हम लोग जब फाइनेंस पढ़ते हैं तो सबसे बेसिक एनालिसिस जो हमारी होती है, दैट इज रिस्क रिटर्न एनालिसिस. और रिस्क रिटर्न एनालिसिस के ऊपर खरा उतरने वाला जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ फंड होता है, वही सबसे बेहतर सोर्स ऑफ फंड है. तो उस सोर्स ऑफ फंड को चिन्हित करना, उस सोर्स ऑफ फंड को पहचानना, और पहचानने के बाद वहां से फंड को
अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना, एक्वायर करके वहां से उठा के अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना, दैट इज द सेकेंड डे एक्विजिशन। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है एलोकेशन। यही वो एलोकेशन है जो कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में नहीं था। वहां तक मैनेजर का काम क्या था कि एक्वायर करके आप दे दो, बाकी ओनर्स देखेंगे उनको क्या करना है। लेकिन आज का समय क्या है कि सिर्फ हमको एंटिसिपेशन और एक्विजिशन नहीं करना, फाइनेंशियल मैनेजर को एलोकेशन भी करना है इन डिफरेंट एक्टिविटीज। जो जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की चलती हैं, जो जो एरियाज, जो जो प्रोजेक्ट्स फर्म के चल रहे हैं, अब किस प्रोजेक्ट को कितना फंड हमें देना है, कैपिटल बजटिंग, किस, यही आसान शब्दों में यही कैपिटल बजटिंग है कि हमें किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना चाहिए, व्हाट शुड बी आर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ताकि एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो प्रोजेक्ट से हमको एक पॉजिटिव, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं तो हम टेक्निकल शब्द यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमको एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद एक पॉजिटिव एनपीवी मिल सके, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक पॉजिटिव एनपीवी मिल सके। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें फंड्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे एलोकेट करना है, दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट एरिया दैट अ फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू पे अटेंशन अपॉन। तो बहुत जल्दी से एक बार फिर से 2 मिनट के अंदर आपको बता दे कि अभी तक क्या बात की। तो सबसे पहले हमने बात की एंशियंट कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस की, जहां पर हम कह रहे थे कि फाइनेंस इज इक्वल टू कैश। बड़ा वेग कंसेप्ट, बहुत ही कंफ्यूजिंग कंसेप्ट, इतना ज्यादा वाइड कंसेप्ट कि आप इसको किसी भी तरीके से ना जस्टिफाई कर सकते हैं, ना कोई मीनिंगफुल डेफिनेशन इसको दे सकते। दूसरा कंसेप्ट हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट, जो कि बात करता है कि फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को तैयार करना, उन्हें टॉप मैनेजमेंट के सामने या ओनर्स के सामने प्रेजेंट करना, और जब भी फर्म को फंड की कमी लगे तो फंड को एक्वायर करके ओनर्स के हाथ में सौंप देना। ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट। और जो आज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, द मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड अपॉन द वेरी कंसेप्ट ऑफ 3 A's, एंटिसिपेशन ऑफ फंड्स, एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजर ये देखे कि हमें कितने फंड की जरूरत है, हमें वो फंड कहां से मिलेगा, हमें वो फंड क्यों चाहिए। दूसरी, जब ये काम आपने, ये 3 चीजें आती हैं एंटिसिपेशन ऑफ फंड्स के अंदर। इस जब एंटिसिपेशन से आगे चलते हैं तो बात होती है एक्विजिशन की, कि हमें कहां से फंड उठाना है, रिस्क रिटर्न एनालिसिस हमें करनी है, ये देखना है कि कहां है, कौन सा वो सोर्स ऑफ फंड है। अब ये जो सोर्स ऑफ फंड है दैट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉम वन ज्योग्राफिकल लोकेशन टू अनदर ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब एक कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम पावर सेक्टर के किसी बिजनेस की बात करें, कोई ऐसा बिजनेस जो पावर सेक्टर में काम करता है, उनके लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स ज्यादा आवश्यक हैं। लेकिन जब हम किसी फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे चलेंगे बात करेंगे, तो जब हम किसी ऐसे फर्म की बात करते हैं जो कि छोटे लेवल पे काम कर रही है, या जो कि ऐसे बिजनेस के अंदर काम करती है जहां पर सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करती है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज्यादा है। और वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता जब ज्यादा है तो उसके लिए मीडियम और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो ये चीजें, ये डेफिनेशन हमको लेने, ये डेफिनेशन के आधार पे हमको बिजनेस के नेचर, बिजनेस के साइज और बिजनेस के ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर कहां से फंड को एक्वायर किया जाए, ये डिफर करता है। तो ये भी डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर को लेना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन एलोकेशन की, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, फर्म के अलग अलग कार्यों में कितना फंड एलोकेट करना है, ये भी डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर को ही लेना है। तो ये हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है फाइनेंस का। और इसीलिए आज के समय में जब हम लोग बात करते हैं कंपनीज के कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की, तो एक शब्द जो बड़ा पॉपुलर है, पुराने समय में चलता था मैनेजिंग डायरेक्टर, MD कहते थे हम लोग, तो तब MD चलता था। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े, स्टाइलिश होते जा रहे ना समय के साथ, तो MD बड़ा अजीब लगने लगा लोगों को, तो नया शब्द एक प्रचलन में आया, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बेसिकली MD के बराबर ही होता है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हम लोग कहने लगे। लेकिन आज का ओरिएंटेशन क्या है, आज का ओरिएंटेशन ये है कि सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर रख लेने से, फंक्शनल मैनेजर कह देने से काम नहीं चलेगा। आज का जो मॉडर्न डे बिजनेस है, उसके पास एक CMO भी होता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, उसके पास एक CFO होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसके पास एक COO होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो CEO एक अलग
व्यक्ति हो गए जो कि ओवरऑल ऑपरेशंस को देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं के समकक्ष, उन्हीं के बराबर अब फर्म में सीएफओ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एरिया ऑफ ऑपरेशन स्केलेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि सिर्फ एक मैनेजिंग डायरेक्टर या सिर्फ एक ओनर या सिर्फ एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज नहीं कर सकता। हमारे लिए एक डेडिकेटेड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चाहिए, मार्केटिंग इश्यूज को देखने के लिए एक डेडिकेटेड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर चाहिए, एचआर इश्यूज को देखने के लिए एक डेडिकेटेड चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन चाहिए, प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज को देखने के लिए एक डेडिकेटेड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चाहिए। तो इस तरीके से आज का मॉडर्न डे बिजनेस काम कर रहा है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि लॉन्ग टर्म में, जैसे क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि आज का समय ऐसा है जब मार्केटिंग ने, जो सच्चाई में आपके सामने, देखिए मैं क्योंकि पुराने समय का मैंने पढ़ा नहीं है और आप ही के आसपास का ही मैंने भी पढ़ा लिखा है, अभी बहुत पुराना नहीं हूं मैं, तो इस वजह से बिजनेसेस को मैं जो जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं, तो ये बड़ा पैल्पेबल है, बहुत हद तक ये इट इज वेरी ऑब्वियस एंड विजिबल दैट मार्केटिंग इज डेफिनेटली ओवर पावरिंग एवरी अदर फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस। लेकिन फिर मैंने आपके सामने वही बात कहूंगा, शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है, लॉन्ग टर्म में एवरी स्कोप ऑफ ऑपरेशन, एवरी फंक्शनल एरिया, बी इट फाइनेंस, बी इट मार्केटिंग, बी इट एचआर, बी इट ऑपरेशंस, हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। और मूल बात तो हमारी घूम फिर के फिर से यही आ जाती है कि आप कितनी भी अच्छी से अच्छी मार्केटिंग कर लें, लेकिन अगर बढ़ते हुए कंपटीशन को टैकल करने के लिए आप अपने फाइनेंस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव एलोकेशन नहीं करेंगे, तो आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लीजिए, कितनी भी अच्छी आप टैलेंटेड एचआर को ले आइए, कितना भी साउंड आप प्रोडक्शन सिस्टम इंस्टॉल कर लीजिए, लेकिन अगर फाइनेंशियल एलोकेशन अप्रोप्रिएट और जस्टिफाइड नहीं होगा, तो लॉन्ग रन में आपकी ये एक्टिविटी सस्टेन नहीं कर पाएंगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले एक बड़ा अच्छा टीवी शो इंडिया में शुरू हुआ, सोनी एंटरटेनमेंट पे आ रहा था, शार्क टैंक, बहुत बढ़िया प्रोग्राम आ रहा था। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे कंट्री में इनोवेशन का कल्चर, अगर जिन्होंने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ है, लेकिन शार्क टैंक इंडिया के नाम से बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम शुरू हुआ, और हमने देखा कि कितने सारे बिजनेसेस, कितने सारे लोग उसमें अपने अपने आइडियाज लेकर के आए कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, हम इस फील्ड में कर रहे हैं, और हमने देखा कि इंडिया में बड़ी तेजी से एक इनोवेशन का कल्चर, एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डेवलप हो रहा है। लेकिन उसमें जो शार्क्स बैठते थे या जो एक्सपर्ट्स बैठते थे, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बैठते थे फंड देने के लिए, अगर आप उनकी बातों में एक चीज आपने गौर की हो, जिन्होंने भी कार्यक्रम को देखा होगा, तो ये जरूर देखा होगा कि चाहे उन्होंने कितनी भी मार्केटिंग की, एचआर की बात की हो, लेकिन आखिरी में वो यही पूछते थे कि ये बताओ सेल्स कितनी हुई, आखिरी में वो यही पूछते थे कि ये बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, आखिरी में वो यही पूछते थे ये बताओ और किससे किससे पैसा ले चुके हो आप लोग, कौन आपके एंजल इन्वेस्टर्स हैं, कौन आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। और आप देखो तो ऑन एन एवरेज जितने भी प्रपोजल्स एक्सेप्ट हुए उस कार्यक्रम में, जितने भी लोगों को उन्होंने पैसा दिया, तो आखिर में उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी टीम में मार्केटिंग कौन कर रहा है, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी टीम में एचआर कौन देख रहा है, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी प्रोडक्शन लाइन या प्रोडक्शन असेंबली कितनी अच्छी है, लास्ट में यही देखा कि इस बिजनेस से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने की क्या संभावना है, लास्ट में यही देखा कि ये बिजनेस में टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की क्या संभावना है। तो अल्टीमेटली आप देखो तो जो भी डिसीजंस हैं बिजनेस के, वो लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ही ध्यान में रखते हुए। हाँ, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करता है मार्केटिंग, एचआर और ऑपरेशन, प्रोडक्शन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेकिन जो बॉटम लाइन होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने का, वो हमेशा होता है फाइनेंशियल इश्यूज। अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज बढ़िया से मैनेज करोगे, तो सारी चीजें देर सवेर ठीक हो ही जाती हैं। तो ये क्योंकि हम फाइनेंस के क्षेत्र के व्यक्ति हैं, सिर्फ इसी क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, तो थोड़ा सा ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम आपके सामने अपने विधा को जितना ज्यादा से ज्यादा, अपने विधा की पॉपुलैरिटी या जितनी ज्यादा से ज्यादा, आप एक तरीके से हम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं आपके सामने कि क्यों आप फाइनेंस को जानो, आप पीएचडी करने वाले हैं, तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप में से ज्यादा लोग फाइनेंस के क्षेत्र में पीएचडी करें। पुराना समय हमारा माना जाता था जहां पर बड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपके सामने ये बात कहने में मुझे कष्ट नहीं है, कभी होता था लेकिन अब नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या फाइनेंस की जो पॉपुलैरिटी है कॉमर्स के फील्ड में, वो कम क्यों होती चली गई? क्योंकि हमने फाइनेंस
या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक पर्टिकुलर, जिसे आप कहते हैं कि दायरे के अंदर बांध दिया, वी एक्चुअली कुकूंड, वी एक्चुअली इन अ सेंस वी नैरो डाउन दी वेरी आइडिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कैसे नैरो डाउन किया? जितनी पीएचडीज आप देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, किसी इस पे पीएचडी हो रही है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड, अ केस स्टडी ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एनी से एनी एबीसी लिमिटेड. ये पीएचडी के टॉपिक्स होने लगे और ऐसा माना जाने लगा है, ऐसी एक आप कह सकते हो कि बृहद धारणा बन गई लोगों के बीच में कि फाइनेंस में अगर पीएचडी करनी है तो क्या करना है, कुछ रेशियोज निकाल दो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कर दो, कैमल रेशियोज निकाल दो, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ और थोड़ा फैंसी काम करना है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एनालिसिस कर दो किसी कंपनी की. ये क्योंकि लोग ज्यादातर इसी फील्ड में काम करते चले गए तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, कुछ नयापन नहीं रहा. लेकिन मैं खुद फाइनेंस के विषय में मैं काम करता रहता हूं लगातार, और आपको मुझे कभी अवसर मिलेगा, भी आगे भी हम लोगों की जब क्लासें होंगी तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि फाइनेंस में वो कौन कौन से नए एरियाज हैं जिन पर आप शोध कर सकते हैं और जिन शोध की बड़ी आवश्यकता भी है और उतनी ही वैल्यू है उस तरीके के फाइनेंशियल रिसर्च की. और कंपनीज, गवर्नमेंट और बहुत सारी एजेंसीज वो चाहती हैं कि ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज पे भी काम हो जिन पे काम नहीं हो रहा है. हम भविष्य में आपसे इन पर भी बात करेंगे. तो सर, कहने का आई हैव अर्थ अ है, वन क्वेश्चन. हाँ जी सर, एक्चुअली सर, ये जो परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं, अब जी किसी भी कंपनी का जी पोर्टफोलियो एनालिसिस, कि हाँ कंपनी हाँ लॉस में जा रही है या फिर इन फ्यूचर इसे कितना सर्टेन प्रॉफिट होने वाला है, या फिर इसमें कस्टमर का पैसा फंस जाएगा, इस तरह से पोर्टफोलियो एनालिसिस करना, ये भी तो फाइनेंस का पार्ट हुआ. बिल्कुल फाइनेंस का पार्ट है. लेकिन आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो एक पूरा सब्जेक्ट है, आपने एमकॉम में पढ़ा होगा एक पेपर, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो काम होता है इनमें भी. लेकिन सर कम अभी हुआ है, भी, अभी हाँ तक इसमें अभी भी रिसर्चेस अगर कम मैं आपको हुई इंडिया के क्षेत्र में बात बताऊं तो बहुत रैपिड या बहुत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन जो काम होना चाहिए था पहले से ही, अभी उस तरीके का काम नहीं हुआ है. इवन आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वही जो एस्टैब्लिश्ड फॉर्मूलेज हैं, जैसे ट्रेनर रेशियो है या इस तरीके के जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मार्कोविट्स मॉडल है, इन तरीके के जो एस्टैब्लिश्ड मॉडल है, ज्यादातर एनालिसिस इन्हीं एस्टैब्लिश्ड मॉडल्स के ऊपर काम कर रही है. स्टैंडर्ड फाइनेंस के ऊपर ज्यादा काम हो रहा है, जबकि आज का समय, किसी का ऑडियो खुला हुआ है आप कृपया बंद कर लें, कुछ ट्रैफिक आ रहा है उधर से. तो पुराना समय जो है वो इस तरीके से हमारे यहाँ सिक्योरिटी एनालिसिस या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जो पुराने एक्सपर्ट्स के दिए हुए मॉडल थे, केवल उन्हीं पे हम लगातार काम करते रहे हैं. जबकि फाइनेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है ह्यूमन का बिहेवियर. हमारे अपना हमारा आपका जो बिहेवियर है वो भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. काफी हद तक नहीं, हमारा आपका जो अपना बिहेवियर है, जो हमारे डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल अपब्रिंगिंग को. लेकिन इस पर काम, अभी मैं आपको बता दूं, कोई काम नहीं हुआ इसके ऊपर. मैं तो लगातार काम करता रहता हूं बिहेवियरल फाइनेंस के क्षेत्र में. अभी आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने बिहेवियरल फाइनेंस, हो सकता है नाम ही ना सुना हो, या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का नाम ही ना सुना हो, लेकिन मेरे शोध का विषय बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है. मैं स्टैंडर्ड फाइनेंस या ये जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं इनसे बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं. हमारा जो फाइनेंस है ये क्योंकि इकोनॉमिक से ही निकला हुआ है, इस फाइनेंस के अंदर हम लोग इस आइडिया के साथ चलते हैं, कोई भी थियरी, कोई भी कंसेप्ट आप उठा के देखें तो कहा जाता है ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल. हर थियरी का पहला एजम्पशन यही होता है, ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल. फाइनेंस के क्षेत्र में कोई भी थियरी हो कि ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी रैशनल, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी लॉजिकल, और ह्यूमन बीइंग्स बहुत सोच समझ करके किसी डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन को लेते हैं. जबकि सच्चाई ये है कि हमारे आपके बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं जहां पर कि हर प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है, लेकिन क्योंकि हम अपने बिहेवियर से, हम अपने खुद के साइकोलॉजिकल बायसेस से इतने ज्यादा ग्रसित हैं कि हम सारी इंफॉर्मेशन को निग्लेक्ट करके गलत डिसीजन लेते हैं और नुकसान उठाते हैं. शेयर मार्केट में बड़ा पॉपुलर है ये. तो ये भी आपके सामने मैं एक पोटेंशियल एरिया रख रहा हूं. अगर आप फाइनेंस के फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं
तो क्यों ना आप ऐसे किसी क्षेत्र पे रिसर्च करें जहां पर आप इन्वेस्टर साइकोलॉजी, एक बड़ा तेजी से बढ़ता हुआ विषय है फाइनेंस में, जहां पर हम बात इन्वेस्टर से बात करिए, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज को समझने की कोशिश करिए कि उनके कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से सारी इंफॉर्मेशन शेयर मार्केट में अवेलेबल है कंपनीज के बारे में, या जो भी रेलेवेंट इन्फो, सारी तो नहीं कह सकते लेकिन जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सब अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में लॉस क्यों कमा रहे। हेड नॉलेज हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नॉलेज नहीं है मार्केट की, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो नॉलेज होने के बावजूद फायदा नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साइकोलॉजिकल बायसेस हैं जो हमको कमाने नहीं दे रहे हैं प्रॉफिट। तो ये एक आपके सामने मैं पोटेंशियल एरिया भी दे रहा हूं कि आप इसको एक्सप्लोर करिए, कि आप इस विषय पे भी एक रिसर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, इन्वेस्टर के दिमाग को समझने की कोशिश करिए कि वो किस तरीके से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को मैनेज या अपने फाइनेंशियल इश्यूज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, आज क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो इस इंट्रोडक्टरी सेशन में अभी हमने जो आपके सामने फाइनेंशियल फाइनेंस का जो एक कंसेप्ट रखा, अलग अलग तरीके से कैसे लोगों ने उसको समझा है और समझाया है, उसको हमने जानने की कोशिश की। अब हम आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और जब हम, आपने पढ़ा भी होगा किताबों में, कोई नई चीज नहीं है, हम उसको दूसरे तरीके से केवल समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, दो सबसे प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे सामने आते हैं। द फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द सेकेंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब फिर मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का अप्रोच है, या जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, दिस इज वेरी क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस दैट आई हैव टोल्ड जस्ट बिफोर सम टाइम। जो मैंने आपके सामने अभी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस बताया, उसी से जुड़ा हुआ जो फाइनेंशियल अप्रोच है या जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या कहता है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि किसी भी बिजनेस फर्म को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करे एडवर्सली, खराब तरीके से, निगेटिव तरीके से किसी कंपनी के प्रॉफिट को या उसकी प्रॉफिट अर्निंग को या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करे, ऐसा कोई भी कार्य बिजनेस फर्म को नहीं करना चाहिए। आसान भाषा में यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है वो यही कहता है कि फर्म लगातार प्रयास करती रहे ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने का, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का, लगातार प्रयास करती रहे अपनी कॉस्ट कटिंग करने का, अपनी लागत को जितना ज्यादा से ज्यादा काट सकते हैं वो करने का, और कोई भी ऐसा काम ना करने का जिससे कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। तो तीन चीजें सबसे ज्यादा आपको पॉपुलर हैं और डिफाइन कर सकती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को। नंबर वन, कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि कंपनी की रेवेन्यू या कंपनी की इनकम को नेगेटिव इंपैक्ट हो, ऐसे काम करने हैं जिससे सेल्स ज्यादा से ज्यादा बढ़े। दूसरा काम क्या करना है? लगातार कॉस्ट कटिंग करनी है, क्योंकि हम जानते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच की दीवार को जितना ज्यादा आप बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव तरीके से, उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो पॉजिटिव तरीके से बढ़ाने का मतलब क्या है कि रेवेन्यू जितना ऊपर जाता जाए, कॉस्ट जितनी ज्यादा नीचे जाती जाए, इनवर्स रिलेशनशिप जितनी ज्यादा मजबूत होती जाए उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा आपका। तो कॉस्ट कटिंग करनी है, और तीसरा काम प्रॉफिटेबिलिटी को नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाला कोई भी कार्य नहीं करना है। अब देखिए, सामान्यता ये कहा जाता है कि ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है, अभी आपने पढ़ा होगा ये चीज, कोई मैं आपको नई चीज नहीं बता रहा हूँ, आपने भी इस चीज को पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की कि ये खराब अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है, इसके अपने क्रिटिसिज्म है, वो भी अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच हमेशा खराब नहीं होता है, आपको अगर आपको ये चीज पता हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ना पता हो तो ये भी आप जान लीजिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज नॉट बैड
इज नॉट निग्लेक्टफुल इन एवरी सर्कमस्टांस. हर सिचुएशन में आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, कहीं कहीं ये अच्छा भी है. और मैं आपको बताऊं कि ये कोविड की सिचुएशन जब से शुरू हुई है इंडिया के अंदर, ज्यादातर बिजनेसेस ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को ही अपनाया है अपने आप को सस्टेन करने के लिए. कभी मौका मिलेगा तो हम बहुत डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जब आपातकाल की स्थिति आती है, व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो फर्म चाहे या ना चाहे उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ही जिंदा रख पाता है मार्केट के अंदर. नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, जो भी हम लोग इसके बाद आप देखेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है, वही होना चाहिए. लेकिन ये कहना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच पूरी तरीके से खराब है, ये ठीक बात नहीं है. तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को खराब कहा जाता है, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे. सबसे पहली बात ये कही जाती है उसके अगेंस्ट में, इसके क्रिटिसिज्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के, कि ये एक बड़ा वेग कंसेप्ट है, बड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट, ये जो शब्द है प्रॉफिट, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी होता है. अगर आपने बनाई होंगी, जरूर बनाई होंगी बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपने कैलकुलेट किए होंगे एबिटडा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्सेशन एंड एमोर्टाइजेशन. और इस तरीके से अलग अलग चीजों को हम उसमें से हटाते हटाते हम ईएटी पे आते हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. तो बहुत प्रकार के प्रॉफिट होते हैं. प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेट भी है. लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की क्रिटिसिज्म इसलिए होती है क्योंकि वो ये नहीं बताता है कि हमें अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो किस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. क्या हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैक्सिमाइज करना है, या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को मैक्सिमाइज करना है, या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेट को मैक्सिमाइज करना है, या फिर हमें शेयर कैपिटल, ओनर्स फंड और टोटल जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, इस तरीके की चीजों पर हमें काम करना है. इसके बारे में तो खैर कोई चर्चा ही नहीं है इसके अंदर, पर जो मुख्य बात है वो यही है कि ये एक वेग कंसेप्ट है. क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से ये बताने का प्रयास नहीं किया गया, ये समझाने का प्रयास नहीं किया गया दैट विच प्रॉफिट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी मैक्सिमाइज. तो वेग कंफ्यूजिंग कंसेप्ट रह गया ये. दूसरी क्रिटिसिज्म इसकी इस बात पे हुई, जो कि बड़ा पॉपुलर शब्द है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट मेनली या मेजरली इसी वजह से आया, जो कि है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आप सभी जानते होंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लेकिन एक आसान से एग्जांपल से मैं आपको एक बात अगर समझाने का प्रयास करूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, तो मान लीजिए कि दो प्रोजेक्ट हैं, एक है प्रोजेक्ट ए, दूसरा है प्रोजेक्ट बी. अब प्रोजेक्ट ए के बारे में ये कहा जाता है कि आज से, उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आज से 6 साल बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो हमें 90,000 रुपए वापस करेगा. इस प्रोजेक्ट में हम जो भी पैसा लगा रहे हैं, जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज से 6 साल बाद इस प्रोजेक्ट से हमें 90,000 रुपए मिलेंगे. और एक दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से हमको 6 सालों तक हर साल 15,000 रुपया मिलता रहेगा. तो अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो दोनों प्रोजेक्ट एक बराबर है. एक प्रोजेक्ट वो है जिससे आपको, प्रोजेक्ट ए, जिससे आपको 6 साल बाद सीधे 90,000 रुपए मिलने हैं, और एक दूसरा है प्रोजेक्ट बी, जिससे आपको 6 सालों तक हर साल 15,000 रुपए मिलने हैं, जो कि अंतिम में 6 साल बाद 90,000 रुपए ही हो जाएगा. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, तो या किसी से भी पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के आधार पर तो आप किसी डिसीजन पे पहुंच ही नहीं सकते. क्योंकि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है हमें, उधर भी हमें 6 साल बाद 90,000 मिल रहे हैं, और इधर भी एक एक साल में 15,000 करके हमें 8वें साल के अंत में 90,000 रुपए ही मिलेंगे. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अब हम ये जानते हैं दैट अ पेनी अर्नड टुडे इज इक्विवेलेंट टू अ पेनी सेव्ड टुडे इज इक्विवेलेंट टू अ पेनी अर्नड टुमारो. आज का बचाया हुआ 1 रुपया कल के कमाए हुए 1 रुपए के बराबर है. इसीलिए जो 90,000 रुपए आपको आज आपके इन्वेस्टमेंट के बाद, जो 90,000 रुपए आपको आज से 6 साल बाद मिलेंगे, क्या आज से 6 साल बाद उन 90,000 रुपए की वही वैल्यू रह जाएगी जो आज है? निश्चित रूप से नहीं रहेगी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी कीप्स ऑन डेप्रिशिएटिंग.
और ये जो 15-15 हजार रुपए आपको हर साल मिल रहे हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल है इन कंपैरिजन टू कि एक साथ 90 हजार रुपए बाद में 6 साल बाद प्राप्त करना। इसे ही हम लोग आसान भाषा में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं आपको? आपने पढ़ी है ये सब चीजें। मैं आपको इसलिए टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ उदाहरण से एक बार रिविजन कराने की केवल प्रयास कर रहा हूं। तो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच कंसीडर नहीं करता है, ये भी एक उसकी कमी है। तीसरी बात, इग्नोरेंस टू द रिस्क फैक्टर, ये एक तीसरा और आखिरी क्रिटिसिज्म है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का, कि ये रिस्क फैक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और किसी भी तरीके से जो रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो सिस्टमेटिक रिस्क हो, चाहे वो अनसिस्टमेटिक रिस्क हो, चाहे वो मार्केट रिस्क हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट रिस्क हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट कैटेगरीज के रिस्क हो, रिस्क के बारे में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के अंदर कोई बात नहीं की गई है। तो इग्नोर जो हम जानते हैं कि दैट द फाइनेंशियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ रिस्क, द एंटायर द वेरी आइडिया ऑफ फाइनेंस इनफैक्ट इज अ रिस्की अफेयर। और अगर हम जानते हैं कि हमने अपने सामने बहुत सारी ऐसी फर्म्स, बहुत सारे ऐसे कंपनीज को फेल होते हुए, मार्केट से बाहर होते हुए देखा है, जो कि सिर्फ इसलिए बाहर हो गई क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज को कंट्रोल या मैनेज नहीं कर पाई। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप वो चाहे आप किंगफिशर एयरलाइंस की बात कर लें, चाहे आप यूनिटेक और इस तरीके की कंपनीज की बात कर लें, जो कि बाजार से मेजरली इसीलिए बाहर हो गई क्योंकि फाइनेंशियल ओवररन हो गया। अब किंगफिशर एयरलाइंस की बात कर लें, बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। क्या उनके मार्केटिंग में कहीं से कमी थी? क्या उनके एचआर में कहीं से कमी थी? क्या उनके ऑपरेशंस या ऑपरेशंस में कोई कमी थी? सारी चीजें उनकी ठीक थी। बल्कि इंडिया में लग्जरी एयरलाइंस का कंसेप्ट लोगों को समझाने वाली, बताने वाली अगर कोई कंपनी थी तो दैट वॉज किंगफिशर एयरलाइंस। लेकिन वो कंपनी अगर फेल की, मार्केट से डीलिस्ट हो गई, कर्मचारी निकाल दिए गए, ओनर देश छोड़कर भाग गए, प्रमोटर्स देश छोड़कर भाग गए, तो इसलिए और सिर्फ इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल ओवररन हो गया, फाइनेंशियल इश्यूज मैनेज ही नहीं हो पाए, इतनी मार्केटिंग कर दी, इतना बड़ा मार्केटिंग बजट क्रिएट कर दिया, इतना बड़ा एचआर बजट क्रिएट कर दिया, इतनी ज्यादा हैवी कॉस्ट की एयरलाइंस खरीद ली, ऐसे ऐसे रूट्स पे चला दिया जो कि प्रॉफिटेबल ही नहीं थे। यही सब प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से किंगफिशर एयरलाइंस को बंद करना पड़ा। तो वही मैंने आपको जो बात शुरू में बताई कि वही घूम फिर के वही बात आ गई कि कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लो, कितनी भी अच्छी ह्यूमन रिसोर्स रख लो, कितना भी बढ़िया ऑपरेशन कर लो, आखिरी में कंपनी फेल होती हैं, आखिरी में कंपनियां बंद होती हैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज के मिसमैनेजमेंट की ही वजह से। तो रिस्क जो है दैट इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड। अभी मैंने आपके सामने बात करी कुछ देर पहले कि फाइनेंशियल डिसीजंस का जो बेस है, जो बेस एनालिसिस है, दैट इज रिस्क रिटर्न एनालिसिस। हम रिस्क कितना उठा रहे हैं और उसके सापेक्ष, उसके अगेंस्ट हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, दैट शुड बी द प्राइमरी कंसिडरेशन। एंड दैट इज इन फैक्ट द प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। तो ये जो रिस्क रिटर्न एनालिसिस है उसका जो मूलभूत तत्व है वही रिस्क है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इसी रिस्क के फैक्टर को, इसी रिस्क के एलिमेंट को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। तो ये जो प्रमुख तीन खामियां हैं जो मैंने आपके सामने रखी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट एक वेग कंसेप्ट है जो हमें नहीं बताता कि किस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेट किसे मैक्सिमाइज करना है, कोई बात नहीं इसके ऊपर। शेयर होल्डर को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे उसकी वेल्थ को बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं इस कंसेप्ट के ऊपर। ये पहली कमी इस कंसेप्ट की थी। दूसरी बात, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करना, आज के कमाए हुए एक रुपए को आज से 10 साल बाद कमाए हुए एक रुपए के बराबर समझना, ये दूसरी सबसे बड़ी कमी इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की। और तीसरी और मूलभूत बड़ी कमी, रिस्क फैक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर करना। तो इन कमियों से द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच बिकेम कंप्लीटली रिडंडेंट, गॉट आउट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन फिर वही बात मैं आपके सामने कहूंगा, आउट ऑफ प्रैक्टिस जरूर है लेकिन नॉट ऑलवेज। जब क्रिटिकल कंडीशन आएगी आपके बिजनेस के सामने तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच काम करता है। छोटे लेवल के जो सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करने वाले बिजनेसेस हैं,
जो हमारे आपके जो सोल प्रोप्राइटरशिप, आप जानते होंगे जो हमारे सामने आपके सामने जो दुकानें चलती हैं छोटी मोटी, जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में काम करने वाली जो फर्म्स हैं, उनके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ही ज्यादा श्रेयस्कर है, उनके लिए वही अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि उन्हें उनके ना कोई शेयर होल्डर्स हैं, ना उनको कोई शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ानी है, ना उनको कोई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको कोई बहुत बड़ा एक एम्पायर बिल्ड करना है। उनके सामने द प्राइमरी कंसिडरेशन इज हाउ टू सस्टेन इन द मार्केट। बात समझ रहे हैं आप बात को? इस डिफरेंस को आप पहले समझने का प्रयास करिए। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने घर के बाहर के जो आपके घर के बाहर चलने वाली कोई किराने की दुकान है, यू कैन नॉट कंपेयर बोथ ऑफ देम। वो बहुत ऑब्वियस है, इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि भाई एक तो फाइनेंशियल मार्केटिंग एचआर किसी भी तरीके की सुप्रीमेसी की आप बात करें तो वो बहुत सुपीरियर है आपके किराने की दुकान के कंपैरिजन में। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अप्रोच को जीवन भर पालन कर सकती है, जीवन भर पालन कर सकती है, फॉलो कर सकती है, प्रैक्टिस कर सकती है, बिकॉज इट एक्चुअली इंटेंड्स टू इंक्रीज द वर्थ एंड वैल्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। लेकिन जो आपके बगल में आसपास में चलने वाली, हमारे शहरों में चलने वाले किराने की दुकान है, उसका प्राइमरी कंसिडरेशन ये है कि उसने जो दो लड़के या तीन लड़के अपनी दुकान में रख रखे हैं, क्या अगले महीने वो उनको तनख्वाह दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। उसका प्राइमरी कंसिडरेशन ये है कि जिन सप्लायर से वो रॉ मटेरियल या जिन सप्लायर से वो अपने यहाँ आटा दाल चावल मंगा रहा है, क्या अगले हफ्ते या अगले महीने जब वो अपना पेमेंट मांगने खड़े होंगे तो क्या उनका पेमेंट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेसेस के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच आवश्यक है। तो क्रिटिसिज्म जरूर कर सकते हैं, ये जरूर कह सकते हैं कि खराब अप्रोच है, लेकिन हम इससे निगेट नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये कभी भी पालन नहीं किया जा सकता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच भी पालन किया जा सकता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो दूसरा हमारा अप्रोच है, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड अप्रोच। एमएनसीज, कॉरपोरेट जायंट्स एंड कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉलो एंड प्रैक्टिस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ देयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसी। किस तरीके से, क्या कहता है ये अप्रोच? तो आसान भाषा में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो किस चीज को रेफर करता है? इट रेफर्स टू द, वही शब्द जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने प्रयोग किया, एनपीवी ऑफ द फर्म। व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म? दिस इज द कॉर्नर स्टोन, दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। मूल बात यह है कि इसी वजह से कुछ कारण, इसी वजह से क्योंकि एनपीवी जो बेस पॉइंट है, जो बेस थॉट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का, उसी वजह से बहुत सारे लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच भी कहते हैं। और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट इट इज द प्रेजेंट वर्थ, कीमत, इट इज द एक्चुअल प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ कंपनी। कैसे कैलकुलेट होती है? सिंपल शब्दों में बात करें तो हमने ओवरऑल किसी भी प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उस प्रोजेक्ट से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें कितनी अर्निंग हुई है, उस अर्निंग में से अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करने के बाद जो बच रहा है, दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप जानते हैं, आपने कैलकुलेट भी किया है इसको कैपिटल बजटिंग के अंदर। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच आसान भाषा में यह कहता है कि किसी भी कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिए, इस तरीके से इवैल्यूएट करिए, ये देखते हुए इवैल्यूएट करिए कि वो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना इंक्रीमेंटल बेनिफिट ला पा रही है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं आपको? द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच सिंपली प्रोसीड्स विद द बेसिक थॉट, विद द बेसिक आइडिया दैट अ पर्टिकुलर बिजनेस फर्म और अ पर्टिकुलर कंपनी टू व्हाट एक्सटेंट इज एबल टू ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित कालखंड के अंदर कितना शेयर होल्डर के वेल्थ की वैल्यू, कितना शेयर होल्डर के वेल्थ की वैल्यू को आप बढ़ा पाते हो, ये हमारा
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है, जो कि बड़ा पॉपुलर अप्रोच है, जो कि बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है, और इसी अप्रोच को ज्यादातर कंपनीज वर्ल्ड वाइड, ज्यादातर फर्म्स वर्ल्ड वाइड इसको, इस पर काम करती है। तो ये हमारा मूलभूत तरीके से ये हमारी बात हुई। तो हमने कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस को भी समझा, हमने जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंस के उनको भी समझने का प्रयास किया। अब एक और बात जो यहां पर हम आपके सामने करना चाहते हैं, दैट इज कि दो प्रमुख ऑब्जेक्टिव तो हमने समझ लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और जब मैं बीकॉम और एमकॉम के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, तो मैं उनसे बात भी इन्हीं दो अप्रोचेस के बारे में ही करता हूं, या इन्हीं दो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ही करता हूं। लेकिन क्योंकि आप प्री पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं, आप पीएचडी के विद्यार्थी हैं, आपको आगे चल के शोध करना है फाइनेंस के क्षेत्र में, तो आपके लिए मैं एक तीसरा ऑब्जेक्टिव और यहां पर जोड़ूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इस ऑब्जेक्टिव को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, और इसको भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव मानते हुए इस पर भी एक्सप्लोरेशन करिए और कुछ काम करने की कोशिश करिए। और वो ऑब्जेक्टिव है द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस। हम फाइनेंस का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट थियरीज का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंसेप्ट का उपयोग किस तरीके से सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम कर सकते हैं, ये चीज भी हमको काम करनी चाहिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसके बारे में जो ऑफ लेट आई हैव सीन दैट विद इन द पास्ट 10 years और 8 years और सो, आई हैव सीन दैट अ कंसेप्ट दैट हैज इमर्ज्ड वेरी स्ट्रॉन्गली एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली कंडक्टिंग देयर रिसर्च इन दिस फील्ड, इज दैट ऑफ CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुना होगा मेरे ख्याल में आप लोगों से ज्यादातर लोगों ने शब्द सुना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी आप में से ऐसे होंगे हु माइट बी मेकिंग अप योर माइंड टू इवन कंडक्ट योर ओन रिसर्च ऑन दिस टॉपिक CSR पे। बड़ी रिसर्चेस में देख रहा हूँ आज 8 से 10 सालों में बहुत तेजी से इंडिया में टॉपिक बढ़ा है। तो जब ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस। कंपनियों में आजकल एक शब्द चल रहा है, अगर आपने न सुना हो तो आप इसको नोट कर लें, और इस पर भी आप चाहें तो एक शोध के लिए आप अपना टॉपिक बना सकते हैं, दैट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अब आजकल जो है सिर्फ एनुअल रिपोर्ट बनाने से काम नहीं चलता है, आजकल कंपनीज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बना रही है। आजकल कंसेप्ट सिर्फ बैलेंस शीट का नहीं है, आजकल का समय जो है वो सोशल बैलेंस शीट का है, कंपनीज बना रही है। आजकल का समय जो है वो केवल आपने अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए या अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए क्या किया, ओनली दैट डजंट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव बीन एबल टू ट्रांसेंड द बेनिफिट और द बेनिफिट ऑफ योर फाइनेंशियल ग्रोथ, टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव बीन एबल टू ट्रांसेंड इट टू द पीपल और द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ये एक बड़ा बजिंग एरिया है, एक बड़ा उभरता हुआ एरिया है फाइनेंशियल रिसर्च का। जो मैंने आपसे शुरू में बात करी कि फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत तेजी से इमर्ज होते हुए ऐसे एरियाज है जिनके बारे में लोग बातें नहीं कर रहे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, सोशल अकाउंटिंग है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है, ऐसे एरियाज, ये ग्रीन फाइनेंस। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, नहीं सुना होगा आपने नाम, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड्स। हमने आपने आज तक सिर्फ बॉन्ड्स का नाम सुना है, ग्रीन बॉन्ड्स का नाम किसने सुना? ग्रीन इंडेक्स भी है, ग्रीन इंडेक्स। आपकी आवाज नहीं मेरे को क्लियर हो रही है सर, वो ग्रीन इंडेक्स भी है, ग्रीन इंडेक्स। ग्रीन इंडेक्स, इस तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें फाइनेंस के क्षेत्र में दे आर डेवलपिंग लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत सारे नए नए कंसेप्ट फाइनेंस में आ रहे हैं, और इन तरीके के टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है रिसर्च की। तो आज देखिए, इंट्रोडक्टरी क्लास में ही हमने आपको कितने सारे एरियाज, कितने सारे टॉपिक्स बताए हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी रिसर्च करने के लिए। देखिए, हम आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अगर बात बताएं, तो ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसी एक कंपनी को उठा के कर दिया,
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी पर्टिकुलर कंपनी का उठा के कर दिया, आप कर तो लोगे रिसर्च इसके ऊपर, बड़ी आसानी से कर लोगे, लेकिन होगा क्या आज से एक 3 साल बाद 5 साल बाद जब आप कहीं जॉब मांगने जाओगे, आपके रिसर्च को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। वो कहेंगे यार ऐसे तो हमने बहुत सारे देख रखे, आपने नया क्या कर दिया इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं रिसर्च की दुनिया में कहते हैं बहुत बड़ा रिसर्च गैप डेवलप हो रहा है। देयर इज एन इमेंस रिसर्च गैप दैट इज डेवलपिंग बिकॉज पीपल बिलोंगिंग टू द फील्ड ऑफ फाइनेंस आर रिपीटेडली वर्किंग ऑन द सेम टॉपिक ऑन द सेम एरियाज ऑन विच पीपल और देयर प्रेडिसेसर्स हैव ऑलरेडी वर्कड अपॉन, वेयर एज देयर आर सर्टेन एंड सेवरल न्यू एरियाज दैट आर इमर्जिंग सो क्विकली एंड रैपिडली ऑन द ग्लोबल लेवल एंड हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ स्कोप टू बी वर्कड एट इन इंडिया, बट पीपल आर इधर डेलिबरेटली और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज आर नॉट एबल टू पे देयर अटेंशन अपॉन दोज टॉपिक्स। माई बेसिक थर्स्ट, माई बेसिक फोकस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन अपॉन दोज एरियाज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस ऑन विच यू कैन नॉट ओनली परस्यू योर रिसर्च बट एट द सेम टाइम योर रिसर्च विल बी अ पर्पजफुल रिसर्च एंड योर रिसर्च विल अटेन एंड अक्लेम वैल्यू एनीवेयर एंड एवरीवेयर यू प्रेजेंट योर रिसर्च टॉपिक। तो हमारा उद्देश्य आपको ऐसा टॉपिक, एक ऐसे फाइनेंस जुड़े हुए एक ऐसे क्षेत्र में आपको इंक्लूड करने का हमारा प्रयास रहेगा जिस पर आप शोध भी करें और आपके शोध को एक अच्छी एक्रेडिशन और वैल्यू भी मिले। आवाज जा रही है मेरी या नहीं? मूलभूत बात थी, हमने कंसेप्ट भी जाना, हमने ऑब्जेक्टिव भी जाना, और हम चाहेंगे कि आप जो सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, फाइनेंस का, उसके ऊपर जरूर आप लोग काम करें। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कंसेप्ट समझ लिया, हमने अप्रोचेस समझ लिए, हमने ऑब्जेक्टिव समझ लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अब हम लोग थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जब हम लोग फंक्शन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में 3 प्रकार के जो डिसीजंस हैं सबसे क्रिटिकल माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि ये 3 डिसीजंस ही ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ब्रॉडर पिक्चर को क्रिएट करती है। कौन कौन से हैं वो 3 डिसीजंस? सबसे पहले डिसीजन, पहला है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। सर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जी आगे, और सर दूसरा फाइनेंशियल डिसीजन, और सर तीसरा डिविडेंड डिसीजन। बिल्कुल सही की, लेकिन इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से अगर आपके सामने थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड, बात बिल्कुल ठीक बताइए लेकिन इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर आपके सामने प्रेजेंट करें, 3 प्रकार के जो सबसे क्रिटिकल डिसीजंस हैं, नंबर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, नंबर 1 ऑपरेटिंग डिसीजंस, जो कि आपने अभी अभी कुछ देर पहले बात, ये किसी का ऑडियो खुला है बंद कर लीजिए, ऑपरेटिंग डिसीजंस जहां पर हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशंस कैसे सस्टेन करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, हम लोग ऑपरेटिंग डिसीजंस के थ्रू उसको समझने का कोशिश करते हैं। दूसरी हमारी बात होती है फाइनेंसिंग डिसीजंस की, फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर हम लोग बात करते हैं डिविडेंड, जो आपने अभी एक मैम ने बात बताई डिविडेंड डिसीजंस की, तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत आता है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, हम लोग करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, हम लोग बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसी की, और तीसरा महत्वपूर्ण एरिया हमारा आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको कि अभी जिन मैडम ने बात करी उन्होंने पहला शब्द जो यूज किया कैपिटल बजटिंग डिसीजन, उसे ही हम सोफिस्टिकेटेड भाषा में इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। तो 3 प्रकार के डिसीजन जो है वो हमारे सबसे ज्यादा क्रिटिकल है और वही बेस बनाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नंबर 1 ऑपरेटिंग डिसीजन यानी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, नंबर उसी के अंतर्गत नंबर 2 फाइनेंसिंग डिसीजन जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर जैसी चीजें आती हैं, और डिविडेंड पॉलिसी जैसे डिसीजन आते हैं, तीसरी चीज इन्वेस्टमेंट डिसीजन जहां पर कि हम लोग कैपिटल बजटिंग प्रैक्टिस और थियोरीज की बात हम लोग करते हैं।
हमारे ये तीन प्रकार के जो डिसीजंस हैं यही क्रक्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. थ्री डिसीजंस एज आई टोल्ड बिफोर यू आर फॉर्म द क्रक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द एंटायर लैंडस्केप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्क्स ऑपरेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड दीज थ्री डिसीजंस. और आप कैसे इन तीन डिसीजंस के बीच में सामंजस्य बैठाते हैं, हाउ डू यू establish an effective level of coordination amongst these three decisions defines and determines how effective your entire financial management framework is going to be. So, जब हम लोग functions की बात करते हैं तो उनके बारे में भी चर्चा आपसे कर चुका हूं कि financial management के functions क्या हैं, लेकिन उसको एक बार फिर से अगर point wise आपके सामने रख सकूं तो जो पहला function है, महत्वपूर्ण function है, that is planning for funds. ये वही बात है जो मैंने आपको शुरू में बताई, एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन कैसे करेंगे हम अपने फाइनेंस का? कैपिटल रिक्वायरमेंट, वॉइस नहीं आ रही है सर का, लेफ्ट हो गया है, वो फिर से ज्वाइन करेंगे लग रहा है. टाइम भी हो गया जान.
हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। इसी वजह से कनेक्शन थोड़ा सा टूट गया था। तो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, और वहां पर मैंने आपको बताया कि घूम फिर के बात हमें उन्हीं 3 A's पे करनी है, लेकिन कुछ बेसिक प्रश्न होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को जिनके उत्तर पता होने चाहिए, और उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दायरे उसके विस्तार को डिफाइन करते हैं। तो क्या है वो क्वेश्चन? पहला, फ्रॉम व्हाट सोर्सेज आर द फंड्स अवेलेबल? कौन कौन से हैं वो स्रोत जहां से फंड्स को लाया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है? ये पहला प्रश्न है जो कि फाइनेंशियल मैनेजर को पता होना चाहिए। दूसरी चीज, टू व्हाट एक्सटेंट आर फंड्स अवेलेबल फ्रॉम दीज सोर्सेज? अब जिन सोर्सेज को आपने डिफाइन कर लिया है, उन सोर्सेज से कितनी मात्रा फंड्स प्राप्त हो सकते हैं, ये दूसरा प्रश्न है जो कि फाइनेंशियल मैनेजर को पता होना चाहिए, जो उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप को डिफाइन करता है। तीसरी चीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रेजेंटली यूज्ड? हमें लागत कितनी आने वाली है जिस सोर्स से हम पैसा अपने फर्म में लाने वाले हैं, यानी कि जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसीजन कहते हैं, हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, कितनी लागत हमें आएगी उस सोर्स से फंड को अपने पास लाने में, एक्वायर करने में। चौथी बात हम करते हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर फाइनेंसिंग? भविष्य में जब हमको इस सोर्स से या किसी सोर्स से पैसा प्राप्त करना होगा तो लागत कितनी आएगी, हम कैलकुलेट करते हैं इस चीज को। पांचवी बात यहां पर होती है कि गिवन सोर्स ऑफ फंड्स एंड देयर कॉस्ट, व्हाट सोर्स शुड बी टैप्ड एंड टू व्हाट एक्सटेंट? क्योंकि मैंने आपको बताया देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल, तो अमंगस्ट ऑल द मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल, which source should be tapped by a financial manager, which source should be prioritized by a financial manager to acquire funds, कौन से source को हमको prefer करना चाहिए, कौन सा source हमारे श्रेयस्कर है, ये decision भी लेना पड़ता है। सर की तरह डिस्टर्बेंस से क्लास ओवर हो जानी चाहिए। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। आ गए सर। वेट करिए। सर चले गए दोबारा। अभी है मिथिलेश जी? वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ऐसे ही लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू। वाईफाई दे दीजिए। हाँ, अपने यहां से प्रोवाइड कर दीजिए। चार 20 हो गया है क्लास ना ओवर कर देनी। हाँ, इतना मतलब नहीं होता है, वो तो सर के ऊपर डिपेंड है ना कि वो ओवर कर रहे हैं, यानी हम लोग छोड़ के चले जाए, क्या पता वापस से सर आ जाए।
जो कनेक्ट नहीं होगा वो हो भी नहीं पाएगा, वो भी बेकार चला जाएगा, उतनी मेहनत जो अभी तक हुई है। और लास्ट में अटेंडेंस ले ले। आवाज आपको नहीं मिल रही, हम लोग दूसरे क्लास कभी देखते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर, बहुत डिस्टरबेंस है ना सर, हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। थैंक यू सर।